हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही अब डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.3 का। 7 का फर्स्ट दे रखा है, चौक कंटेन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन रेशियो। एक चौक है, चौक के अंदर ये तीन चीजें मिली जाती है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो आपके दे रखा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, परसेंटेज आपको बताना है। तो हमारे पास चौक के अंदर जो है ना तीन चीजें हैं ये, तो एक तो दे रखा है अभी आपके कैल्शियम दे रखा है, एक दे रखा है अभी हमारे पास कैल्शियम रेशियो, एक है कार्बन रेशियो, एक दे रखा है ऑक्सीजन, ये दे रखा है आपके 10:3:12। अब जो चीज हमें चाहिए उसको पहले फ्रैक्शन में फाइंड करो, फिर परसेंटेज में फाइंड कर लो सिंपल। तो आप चाहो तो वो टोटल पार्ट पहले आप फाइंड कर लो, यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, टोटल पार्ट्स ये हो गए हैं 10 + 3 + 12, तो टोटल हो जाएगा आपके 25। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज किसका चाहिए, कार्बन का चाहिए चौक के अंदर, तो कार्बन के अंदर, तो कार्बन कितनी है अभी आपके, देखो कार्बन ये रही भी आपके 3 है, तो आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितना है वो ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, पार्ट्स ऑफ कार्बन ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल पार्ट, चौक कितने की है, फिक्स है हमेशा नीचे टोटल पार्ट ही आता है जब भी रेशो फाइंड करना है। इनटू क्या आएगा यहाँ पर आपके 100, ऐसा मानेंगे कि चौक 100% है। अब सॉल्व करो इसको, तो ये तो है 3, ये है 25, ये आएगा आपके 3/25 × 100। अब कटे तो काट दो, 25 का डिवाइड 100 में अगर हम देते हैं यहाँ पर, ये जाता है आपके 4 टाइम, 25 की टेबल में 100 4 टाइम में आता है, तो हम यहाँ करेंगे 3 × 4 = आएगा 12%। अगर आपको काटना नहीं आता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना रफ में, तो आपका आंसर सीधा ये आएगा, 12% आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड आपके दे रखा है, फर्स्ट तो ने फाइंड कर लिया कि कार्बन कितना है चौक के अंदर, अब ये दे रखा है कार्बन का जो वेट है वो 3 3 ग्राम है, तो बताना है कि चौक का वेट क्या होगा। तो जितनी चौक है ना उसका अगर 12% जो है ना वो कार्बन है, और कार्बन जो है वो कितना है आपके 3 ग्राम है, तो हम यहाँ पर लेते हैं वेट लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं वेट ऑफ कार्बन, अगर आपको कार्बन का वेट निकालना है तो यहाँ पर तो 12% दे रखा है, चाहे वो वेट भी यही चीज़ होगी आपके सेम, तो अगर आपको वेट ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, 12% ऑफ टोटल जो भी आपका चौक का वेट है, चौक का जो वेट है उसका 12% होगा, जो कि हमारे पास दे रखा है कितना, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कार्बन इज 3 ग्राम,
कार्बन 3 ग्राम का है तो बताओ चौक का वजन कितना है। अब देखो भाई 12 का 12% हटाएंगे, लगेगा यहाँ पर 100 का डिवाइड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आएगा आपके चौक का वेट इजिकल टू देर का है 3 ग्राम। अब इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो अगर आपका चौक का वेट निकालना है तो इधर आपके 3 देर का है, ये उल्टा हो जाएगा इधर आकर, मतलब 100 ऊपर और 12 नीचे। अब कटे जो काट दो, नहीं काटना आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 300/12। अब 12 की टेबल आपको यहाँ पर रफ में डिवाइड कर देना ऐसे करके, तो आपका आंसर आएगा 25 ग्राम। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम जाएगा अभी, आप चेक कर लेना डिवाइड करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275। अमीना एक बुक परचेज करती है 275 में और उसे होता है लॉस, तो हाउ मच डज सी सेल इट फॉर, कितने में सेल करना चाहिए, कितने में उसने सेल किया कि उसको लॉस हो गया। अब देखो बाई इसका मतलब सीपी दे रखा है, आपके कॉस्ट प्राइस दे रखा है, जितने में परचेज किया वो है आपके 275, उसे हो गया लॉस, लॉस हो गया उसे 15%, इतने में परचेज किया इतना लॉस हुआ, तो सेल किया तो कम में ही किया होगा सेल, इससे कम ही आएगा आंसर आपका, कॉस्ट प्राइस से कम ही आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ दे रखा है लॉस परसेंटेज दे रखा है, और हमें फाइंड करना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है। अब सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें से आप क्या कर दो, लॉस को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास लॉस परसेंटेज दे रखा है, सबको पता है अभी लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आएगा अभी आपके लॉस इन रुपीज़, लॉस कहाँ आएगा भाई आपको, यहाँ पर रुपीज में आएगा, और सीपी भी क्या होगा भाई यहाँ पर आपके रुपीज में होगा, इन टू 100। लॉस में सीपी का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको लॉस परसेंटेज मिलता है, लॉस परसेंटेज दे रखा है 15, लॉस रुपीज में दिया हुआ नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। सीपी सीपी आपके दे रखा है 275 इन टू 100। अब ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो अगर मुझे यहाँ पर लॉस फाइंड करना है 15 तो इधर है ही, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूँ ये मल्टीप्लाई में होगा और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 275/100, तो लॉस हो जाएगा आपके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये आएगा 4125/100, 2 0 हटेंगे 2 पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 41.25, ये आ गया अभी आपका लॉस। अब हम एस पी फाइंड करेंगे, तो एस पी हो जाएगा सीपी कितना है 275, लॉस कितना है 41.25, दोनों को आप माइनस कर देना रफली, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ आपको, हो तो ये 275 है और माइनस करना है आपको 41.25, कुछ नहीं है यहाँ 0 लगा दो, ये आएगा 75, इधर 4 बच जाएगा तो ये आ जाएगा आपके 3, इधर 3 और फिर 2, तो ये आएगा 233.75 रुपीज़, ये आएगा अभी हमारा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ऑफ एंड 3 ईयर ईच केस, मतलब आपको 3 साल बाद पेमेंट करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, मतलब आपको अमाउंट फाइंड करना है, प्रिंसिपल दे रखा है और साथ में आपके टाइम, ये रेट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है अभी आपके ₹1200, और टाइम दे रखा है अभी आपके 3 साल का, और रेट दे रखी है अभी आपके 12%।
अब आपको इसमें पहले इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 3 साल बाद पेमेंट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो वो आएगा भी आपके पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब पी प्रिंसिपल कितना है? 1200। टाइम कितना है? 3 ईयर का। रेट कितना है आपके? 12% अपॉन 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूं। अब आप क्या करो, 12 × 3 इंटू 12, तीनों को रफली मल्टीप्लाई करना है। ये आता, इनको मल्टीप्लाई करो 36 से इंटू 12, तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 432। देखो ये आपने पैसा उधार लिया, प्रिंसिपल है ये उधार लिया और ये साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना है, ये अमाउंट भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। तो आपको टोटल अमाउंट को पेड करना है, आपने कितना अमाउंट पेड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने कितना अमाउंट उधार लिया था उस पर कितना इंटरेस्ट लगा, दोनों को दोनों चुकाने पड़ेंगे भी आपको। तो ये हो जाएंगे भी आपके 1200 प्लस 432, तो टोटल आ जाएगा आपके 1632 रुपीज़ टोटल आपको ये पे करना है। अब ऐसे ही एक केस और है, बी केस, तो ये भी ले लेते हम। तो ये दे रखा है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है आपके 7500 रुपीज़ और रेट जो है वो दे रखा है आपके 5%, और जो टाइम है वो दे रखा है अभी आपके 3 ईयर का। अब यहाँ पर भी हम सेम एस आई फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। तो ये दे रखा है 7500, टाइम दे रखा है आपके 3 ईयर का, रेट दे रखी है 5% अपॉन 100। तो यहाँ पर भी सेम है, 2 जीरो से 2 जीरो सेम कट रहे हैं, कैंसिल कर दो। अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होता है, 5 3 जा 15, कर दो मल्टीप्लाई। 15 5 जा होता है 75, 7 बचेगा, 105 प्लस 7 112, तो ये आ जाएगा आपके कितना, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें सेम चीज़ फाइंड करनी है, अमाउंट पेड फाइंड करना है। आपको कितना अमाउंट क्या करना है, अभी आपको पेड करना है। पहले तो आपने कितना उधार लिया और साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो आपने उधार लिया था कितना, 7500, साथ में आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है। अब दोनों को आप रफ में डिवाइड, रफ में ऐड कर लेना भाई, 8625 आएगा, 8625 रुपीज़ ये आएगा, 8625 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, व्हाट रेट, रेट बतानी है आपको। इंटरेस्ट 280 एज इंटरेस्ट सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। 250, देखो इस पर 2 साल बाद किसी रेट से ये इंटरेस्ट मिलता है, तो बताना है कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या है। जो हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है, आई इजिकल टू दे रखा है हमारे पास 280 रुपीज़, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 56,000 रुपीज़, टाइम दे रखा है हमारे पास 2 ईयर का, और हमें क्या फाइंड करना है, आई क्या करना है आपको फाइंड करना है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में भी करवाया था कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके कितना देर का, ये रहा भाई 280 रुपीज़, प्रिंसिपल 56,000 और टी जो टाइम है ना वो दे रखा है अभी आपके 2 ईयर का, और रेट जो है ये तो दिया हुआ ही नहीं है, अपॉन क्या कर लेंगे यहाँ पर हम 100 कर लेंगे। अगर कटे तो काट सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए,
तो यहाँ पर हमें मिला ये वाला 280 एंड 560 इंटू टू इंटू आर। अब आर अगर फाइंड करना है तो इनको इधर भेजना पड़ेगा ऐसे डिवाइड में, तो आर का मतलब हो जाएगा कितना, 280 अपॉन 560 इंटू टू। अगर मैं 28 की टेबल अगर बोलूँ, ये 28 वन जा 28, 20 to 56, 84, ऐसे जीरो लगाओ तो जीरो लगा सकते हो। तो आप अगर देखोगे तो इसका डिवाइड इसके अंदर टू टाइम जाता है, तो 280 की टेबल में 280 कब आता है, वन टाइम में, टू टाइम में। तो ये आता है वन टाइम में और ये आता है आपके टू टाइम में, तो ये हो गया है आपके कितना, 1/4। तो ये परसेंटेज है आपकी, ये भी आप चाहो पॉइंटों में भी ला सकते हो। पॉइंट में अगर लाना है तो इसके लिए आपको 4 का डिवाइड करना पड़ेगा 1 में, पॉइंट हट गया 0, 2 टाइम जाएगा 8, फिर 2, फिर 0, फिर 5 टाइम जाएगा ऐसे, तो रेट आ जाएगा कितना, 0.25%। क्या आएगा, 0.25%। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज़, ये रुपीज़ में है इंटरेस्ट आपके, तो 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट दीजिए, 1 ईयर टाइम भी दे रखा है, 1 ईयर का 9% पर एनम। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एक तो हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है 45 रुपीज़, इसे आप सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हो, 1 ईयर, 1 ईयर का तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, कंपाउंड को भी सिंपल कह सकते हैं अगर 1 साल ही हो तो। फिर आपके पास टाइम, टाइम दे रखा है 1 ईयर का, और रेट दे रखी है आपके कितना, 9%। व्हाट इज द सम ही बोरो, सम जब लिखा है ना, सम बोरो लिखा हुआ, इसका मतलब प्रिंसिपल है, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 45 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना है आपके फाइंड करना है, टाइम कितना है 1 ईयर का है, रेट कितना है 9% अपॉन 100। अब अगर यहाँ पर तो 45 है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 9 / 100, एक पी बच गया अभी आपके, अब इधर आएगा उल्टा हो जाएगा इधर आते ही, तो पी हो जाएगा आपके कितना, 45 × 100, जो नीचे है ना वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। अगर मैं 9 की टेबल में 45 का डिवाइड करूं तो ये जाता है आपके 5 टाइम जा रहा है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। देखो तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम, ये कट जाएगा, इधर बचेगा आपके 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपके 500 रुपीज़। ये आएगा हमारा आंसर जो होगा